अब हम चलते हैं अपने पार्ट टू की तरफ मोशन के। तो उसमें हम आज अभी पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और बाकी चीज़ें। तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होती है? इट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। जब वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है तो जो उसका एक्चुअल पाथ होता है कवर्ड, वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सिंपल सी टर्म है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उसकी वैल्यू होती है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो उसको सबसे छोटा टाइम लगेगा, जो सॉरी सबसे छोटी दूरी तय करनी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, वो होगी उसकी डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड या ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। तो बेसिकली अगर आपको मैं दो पॉइंट दूँ तो उनके बीच के सबसे छोटी दूरी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन दूरी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे घूम घाम के जो भी दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं बनती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन दूरी को ही कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक लड़का ए से बी जाता है, फिर बी से सी जाता है, तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस कवर क्या होगी? 4 + 5 यानी कि 9 मीटर। लेकिन वही लड़का अगर ए से सी पे डायरेक्ट जाना चाहे तो वो क्या कहलाएगी? उसकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है, तो हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लिख दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सारी चीज़ें लूसेंट में इतनी अच्छी तरीके से कवर्ड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको और ज़्यादा ब्रॉडली समझा रहा हूँ। एक सर्कुलर पाथ लेते हैं। अब इस सर्कुलर पाथ के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस पाथ में हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है? जीरो रहता है। मैंने क्या बताया आपको? डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों रहेगा यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट का मैंने क्या बताया? ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में एक्ट करेगा, यानी कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजिशन अलग अलग होगी। अब देखो, यहाँ से एक बंदा गया और वो वापस से इसी पॉइंट पे वापस आएगा, तो इसने इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या थी इसकी? यही है, ए ही है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम है, तो इसके इनिशियल और फाइनल के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो है। ठीक है ना, अपने ही पॉइंट से अपने ही पॉइंट पे वापस आ गया, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? जीरो। और डिस्टेंस कितने तय किया? ये पूरा का पूरा राउंड। तो डिस्टेंस इस केस में कितना हो जाता है? इस पूरे का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस यानी कि इस लेंथ। अब सर्कमफ्रेंस क्या होती है? जैसे अगर मैं इसको दो जगह काट दूं, तो ये जो वायर से मैंने सर्कल बनाया था ये ऐसा बन जाएगा। तो ये ए बी लेंथ बन गया। तो ए बी को अगर मैं ऐसे जोड़ दूं तो ये वापस से सर्कल बन जाएगा। तो ये जो लेंथ होती है यही सर्कमफ्रेंस होता है, यही लेंथ ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस कह सकते हो आप इसको, पेरीमीटर भी उसी को कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा इसका? क्या होता है सर्कुलर? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी? डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 2 पाई आर। सॉरी, मार्कर खत्म हो गया, तो अभी यूज करना पड़ेगा दूसरा। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगी इसकी? 2 पाई आर। अब चलते हैं अगली चीज की तरफ। देखो, इसकी यूनिट मीटर ही होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सब आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन का सारा खेल होता है। डायरेक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा है डिस्प्लेसमेंट के केस में। ऑडोमीटर आपको पता होना चाहिए, ऑडोमीटर ऑडोमीटर सॉरी, वो किस लिए यूज होता है? डिस्टेंस नापने के लिए, जब बाइक्स बाइक्स में। तो अब चलते हैं अगली चीज। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला ही डिफरेंस होता है। ये वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ऐसा यूनिट दोनों की ही मीटर पर सेकंड होती है। क्यों होती है? देखिए, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर पर यानी कि डिवाइड में, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, सिंपल सी, ये ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल यूनिट। अब अगर आपको इसको और तरीके से समझना हो तो सिंपल सी चीज़ है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पर यूनिट टाइम। सीधी सी बात है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अभी हम अगले पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। जय हिंद।